देश में पहली बार 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मरीज आए सामने, 478 लोगों की जान गई। सीएम योगी ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, लखनऊ के सिविल अस्पताल में ली पहली डोज। कोरोना का टीका लगवाने के बाद योगी की अपील, कहा वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित, टीका लगवाने के बाद भी रखें सावधानी। अक्षय कुमार के बाद राम सेतु के सेट पर कोरोना विस्फोट, 45 जूनियर आर्टिस्ट संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में लगा वीकेंड लॉकडाउन, पहली बार सामने आए 24 घंटे में 57,000 नए केस, 222 लोगों की मौत। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़, लोग लगातार उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। लॉकडाउन से मुंबई में प्रवासी मजदूरों में हड़कंप, लोग मायानगर छोड़ अपने अपने गांवों की ओर जाने लगे, 2020 का मंजर याद आया। दिल्ली में टूटा 4 महीने का रिकॉर्ड, 4 दिसंबर के बाद रविवार को पहली बार सामने आए 4,000 से ज्यादा मरीज, 21 लोगों की मौत। नई दिल्ली स्टेशन को सुपर स्प्रेड जोन होने के बावजूद नहीं दिख रही सख्ती, लोगों में कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते लोग नजर आ रहे हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर का आर्य कन्या विद्यालय बना कोरोना का हॉटस्पॉट, 7 छात्राएं पॉजिटिव हुई, स्कूल प्रशासन में हड़कंप। यूपी के गाजियाबाद में बढ़ी सख्ती, आज से मॉल होटल रेस्टोरेंट में टोकन से होगा प्रवेश, क्षमता से ज्यादा लोगों की एंट्री नहीं। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना की वैक्सीन खत्म हुई, आनंद फानंद में अधिकारियों ने शासन से की 1 लाख वैक्सीन की मांग। मध्य प्रदेश के सागर में 118 साल की बुजुर्ग महिला ने ली वैक्सीन, लोगों से टीका लेने की अपील की। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने गैदरिंग पर बैन लगाया, बंद जगह पर 200 और खुले स्थान पर 500 से ज्यादा की भीड़ नहीं। राजस्थान के जोधपुर में IIT में 70 लोग पॉजिटिव हुए, संक्रमितों में छात्र और शिक्षक शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना में हुआ कोरोना विस्फोट, 60 बच्चे हुए संक्रमित, DM ने दिए कड़े निर्देश। मध्य प्रदेश के CM शिवराज का ऐलान, कोरोना प्रभावित राज्यों से सटी MP की सीमाएं सील होंगी, छत्तीसगढ़ से आने जाने पर प्रतिबंध लगेगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने किया अस्थायी जेल में बंद, बस में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान भी कटे। हरिद्वार कुंभ में कोरोना का ग्रहण, कृष्ण आश्रम में 7 साधुओं में कोरोना की पुष्टि हुई। तेलंगाना के सिरपुर गांव में लोगों ने अपनी मर्जी से किया लॉकडाउन, कोरोना केस बढ़ने की वजह से उठाया कदम। बांग्लादेश में कोरोना की खतरनाक दस्तक, आज से 7 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन, मौत का आंकड़ा दोबारा से पीक पर। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 13 करोड़ के पार हुआ, दुनिया भर में अब तक 28,63,000 मरीजों ने दम तोड़ा। रूस में भी कोरोना से हालात खराब हो रहे, रविवार को 384 लोगों की मौत हुई और 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। फ्रांस में टीकाकरण में तेजी आई, ईस्टर के दिन भी लगा टीका, रविवार को फ्रांस में 61,000 नए केस, 185 की मौत। उम्मीदों के बाद अमेरिका में अब भरोसा टूटने का दौर शुरू हुआ, डॉक्टर्स ने दी 2020 से भी बुरी लहर की चेतावनी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।